हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत, उत्तराखंडी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और मैं बैठी हूँ फिर से रूम के बाहर और मैं आ रही हूँ अभी थोड़ा घूम के मार्केट से, तो कुछ ज़रूरी काम था। और कल मैंने कल वाली ब्लॉग डाली थी जो, तो उसमें मैंने किसी के सवाल के जवाब दिए थे और फिर उसमें भी लोग मतलब ब्लॉग पूरी देखते नहीं हैं, आधे आधे अधूरी ब्लॉग देकर कमेंट करने लग जाते हैं। तो प्लीज़ पूरी ब्लॉग देखें और उसे समझने की कोशिश करें। और हम चले गए थे 12 बजे के आसपास घर से बाहर और वहीं मार्केट से खाना खा के आए। तो अभी बैठी हूँ मैं, मतलब मार्केट से आने के बाद बैठी हूँ और मैं फिर से आप लोगों के बीच कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। और जो लोग इतने समझाने के बाद भी जिन लोगों की समझ में नहीं आती है, तो प्लीज़ कमेंट ना करें। और आपको नहीं देखनी मत देखो, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती हम किसी पे करते नहीं कि हमारी ब्लॉग देखो। जिसको देखना होता है वो देख ही लेता है और जिसको नहीं देखना होता तो वो मत देखें। और आधी अधूरी ब्लॉग देखकर आप कमेंट कर देते हो तो प्लीज़ या तो पूरा समझें और उसके बाद कमेंट करें। और मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ब्लॉग देखें ना देखें पर सीधे उन्हें कमेंट करना होता है, और उनमें से एक पूजा हो गई, सुनील कुमार हो गया और बहुत सारे हैं ऐसे। मैं सबका नाम लूँगी ज़रूर एक दिन और उनके सारे कमेंट निकालूँगी मैं। तो ये लोग मुझे जानते हैं, अरे जानबूझ के कर रहे हैं ये, वो इसी गांव के अगल बगल के हैं, उसी गांव के हैं जिस गांव में मैं पहले रहती थी। और गांव के नहीं है, गांव से थोड़ा बाहर, थोड़ा मतलब उस गाँव के भी हो सकते हैं पर गाँव के अगल बगल के भी हैं ये। और ये मतलब मुझे जानते हैं और जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। और क्या कहूँ मैं इनके बारे में, क्योंकि नाम से उससे पता चल जाता है ये इंसान कौन है। मैं तो पहले कमेंट नाम ही से मुझे एहसास हो जाता है ये इंसान कौन है। और आपके घर में भी आपकी माँ बहनें होगी, भाई बहन होगे, अपना घर संभालने में रहो, अपने बीवी बच्चों को संभालो, उनको मुसीबत में मत डालना, तकलीफ में मत डालना, जो कि उनको भी फिर ऐसा कदम उठाना पड़े। और जब हम किसी के बारे में कहते हैं तो कुछ लोगों को बहुत मतलब बुरा फील होता है या बहुत बुरा लगता है कि आपने उसको ऐसा क्यों कहा। जब आप लोग हमारे लिए कहते हैं तो हमें क्या बुरा नहीं लगता होगा, हमारे अपनों को क्या बुरा नहीं लगता होगा। आप तो हमारे लिए कुछ भी बोल देते, कुछ भी कमेंट कर देते। अगर हमने कहा तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता, ऐसा क्यों, वो इंसान है, हम इंसान ही हैं, हम जानवर हैं, जो हमारे लिए आप कुछ भी कह दो हम सब सह लेंगे। और दूसरे के लिए कहा तो आपको बहुत बुरा लगता है, क्या कहूँ मैं। और जब आप लोग हमारे ऊपर करते थे कमेंट तो हमें भी बुरा लगता है, हमें भी रोना आता है। और कोई है मतलब गीता है, आप कौन है, गीता बिष्ट तो दुनिया में बहुत सारे होंगे, और वो कह रही थी आप इतनी खुश लग रही हो, आपको अपने बच्चों की याद नहीं आती है, आपके चेहरे से नहीं लग रहा है आप को आपको अपनी बसों की याद आती होगी, और हर टाइम मतलब मैं कैमरा ऑन करूं और रोने लग जाऊं। समय होता है उसका, जिस समय याद आती होगी उस समय रोते होंगे, जिस समय किसी समय मतलब हंसते होंगे, हंसने वाला टॉपिक आएगा तो हंसेंगे, घर की कुछ बातें आती होगी तो रोना आता होगा। और आप लोग कहते हैं कि आपके चेहरे से नहीं लगता है, आप लोग खुद एक माँ हो, अपने बच्चों से दूर रहते तो आपको क्या एहसास होता। तो वैसे मैं भी एक माँ हूँ, मेरी मजबूरी है इसलिए मैं दूर रही और दूर हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा कहें कि आप खुश लग रही, हम कोशिश कर रहे खुश रहने की, हम कोशिश करते हैं खुश रहें और हम एक दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें, ताकि जो हमारा बीता हुआ कल है वो हमें ज़्यादा याद ना आए, हम डिप्रेशन में ना रहे, बीमार ना पड़ें। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमारा कौन है यहाँ। तो हम एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं और कुछ चीज़ें भूलने की कोशिश करते हैं, और कुछ चीज़ें मतलब भूलने से भी नहीं भुलाई जाती है। तो
समय समय के अनुसार वो चीज़ें याद भी आ जाती हैं, और हर टाइम मैं रोती रहूँगी। रोती वैसे भी आँखें वैसे ही ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी हैं, और हर टाइम हम रोते ही रहेंगे, रोते रहेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। और एक पहाड़ी से पूछो, जब वो पहाड़ छोड़ के बाहर जाता है तो उसे क्या दर्द होता है, क्या एहसास होता है, उससे पूछो हमने अपना गढ़वाल छोड़ा, अपना पहाड़ छोड़ा तो हमें कैसा फील हो रहा होगा। और जहाँ हमारा बचपना से जवानी बीती, उस जगह को छोड़ना इतना आसान नहीं था हमारे लिए, पर हमने मजबूरी में छोड़ा और अपने आगे की ज़िंदगी जीने की कोशिश की, ताकि हम कमा सकें, खा सकें और कुछ चीज़ें भूल सकें, क्योंकि किसी जगह पे रहकर वो पुरानी चीज़ें ज़्यादा याद आती है और घुटन टाइप की महसूस होती है, जिसलिए कि हमें अपना गढ़वाल, अपना पहाड़ छोड़ना पड़ा। और यार, तो हर किसी की आती है, चाहे वो इस दुनिया में हो या ना हो, जो हैं भी उनकी भी आती हैं, जो नहीं है उनकी भी आती हैं, पर ये है इंसान हैं, समय समय के अनुसार भूलने की कोशिश करते हैं और भूलने से भी नहीं भूलते, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि मजबूर कर देते हैं हमें जीने के लिए, अलग रहने के लिए, और जो कोशिश हम कर रहे हैं। और जब मैं घर में भी थी, मेरे साथ मतलब इतनी मुसीबतें थी, मैं अपने बच्चों से दूर थी, पर गांव में जब भी जाती थी तो सबके सामने हंसती थी, हंसी मजाक करती थी, और हंसने वाला जैसा ही वो करती थी मैं, कि ता मैं दुनिया के सामने हंस सकूँ और लोगों को ना एहसास ना हो कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। और मैंने यही किया और जीने की कोशिश की, और शायद आगे भी मैं यही कोशिश करूँगी। मैं नहीं चाहती मैं बार बार कैमरा ऑन होते ही रोऊँ और लोगों को लगता होगा मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, मेरी आत्मा से पूछो, मुझसे मिलो, तब आपको शायद एहसास होगा। और कैमरा के सामने आने के लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, अपने आप को समझाना बुझाना पड़ता है, इसलिए कि मुझे क्या कहना है, कैसे अपने आप को संभालना है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं संभालने से भी नहीं संभलती हैं, और कुछ चीज़ें जब नहीं खुद से नहीं संभलती हैं तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देनी चाहिए, और मैंने भी छोड़ रखा है। और समय जब हिसाब किताब करेगा, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, वो मेरे साथ दुखी थे इसलिए मैंने उनको छोड़ा, और वो खुश रहे यही मेरी दुआ है। उनके खुशी के लिए मैंने अपना घर बार अपना सब कुछ त्यागा, और पहाड़ भी त्याग दिया। अब आगे क्या कहूँ मैं। कुछ लोग जानबूझ के उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा शायद उन लोगों को, क्योंकि एक कमेंट हुआ, दो कमेंट हुआ, तीन हुआ, तो हर रोज़ गंदे कमेंट करने, उल्टे सीधे कमेंट करने। और आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हो, बहुत सारे लोग हैं जो गंदे गंदे कमेंट करते हैं, और बहुत सारे लोग फ्रॉड आईडी से भी कर रहे हैं, तो जिस वजह से मुझे ये सब करना पड़ेगा। ये मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, मैंने कहा यूट्यूब है क्या करना, और ये सिर्फ मेरे कमेंट बॉक्स में हमें मुसीबत मतलब परेशान करना चाहते हैं, हमें डिप्रेशन में डालना चाहते हैं। और शाम के बज चुके हैं 6, और मैं बैठी हूँ घर के बाहर में, क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं वो उसमें सिर्फ हम ही रहते हैं, दो रूम किचन लैट्रिन बाथरूम सेपरेट है, तो यहाँ मकान मालिक कभी कभार आते हैं सुबह एक चक्कर, शाम को कभी कभी, तो देते हैं अपने वाणी को यहीं पे विराम, और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।